प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। नमस्कार, मैं हूं तान्या, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री को जान से मारने की धमकी के बाद क्या बोले खराड़ी। जैसा कि सर अभी सुनने में आया कि आप पे अभी किसी ने जान से मारने की कोई धमकी दी है। बिल्कुल सही है, ये 3 दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम पर एक किसी ने पोस्ट डाली हुई है। पोस्ट ये डाली है कि भाई तुम सुधर जा, तू सुधर जा, ऐसा शब्द उन्होंने उपयोग किया है कि तू समाज के लिए ठीक नहीं कर रहा है, आदिवासी को हिंदू बना रहा है और इसका अंजाम बुरा होगा। इस प्रकार कई प्रकार की लैंग्वेज लिखी है। फिर नीचे उन्होंने एक लोगो लगाया जिसमें आतंकवादियों के चित्र हैं और उसके नीचे उन्होंने कहा भाई चुनाव से पहले तेरे को अंजाम बुरा होगा। इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है। ये ओछी मानसिकता की हरकतें हैं। मेरे काम करने के तरीके से किसी को परेशानी होती है तो मुझे समझ में आता नहीं है किस बात की परेशानी होती है। मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ, ईमानदारी से मेरा काम करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से ये वातावरण दूषित करने का काम जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार के लोगों ने जिस प्रकार से काम शुरू किया और काम करके कुछ लोगों को भ्रमित करने का काम किया, मुझे लगता है उन्हीं की ये मानसिकता है और वही ऐसा करते होंगे। और ये दूसरे लोग जो आदिवासी को आदिवासी से भिड़ा करके या आपस में लड़ते रहे, दूसरे हम ये नाटक देखते रहे, ऐसा मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं। और मैंने IG से बात की, SP से बात की है और उसके बाद में थाने में FIR दर्ज कराई है। वो पुलिस का काम है, पुलिस जांच करेगी, जो भी लोग सामने आएंगे। अच्छा, FIR आज आज या हाँ, आज अभी मैंने जी। ठीक सर,